दोस्तों, टीवी ऑन इंडिया के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ नई मुंबई के रियल एस्टेट के टाइकून और भूमिराज ग्रुप के सीएमडी भूपेन भाई साहब मौजूद हैं। हम आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नई मुंबई में रियल एस्टेट की स्थिति क्या है, जो डेवलपमेंट चल रहे हैं वो किस तरह के चल रहे हैं, और सिडको और सरकार की पॉलिसी का कितना असर हाउसिंग इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। ये तमाम सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भूमिराज ग्रुप जो किस तरह के नए प्रोजेक्ट ला रहा है, किस तरह से हाउसिंग फॉर ऑल का जो सपना है वो पूरा होने वाला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जो दो साल का लंबा लॉकडाउन रहा है, उसके बाद तमाम तरह की चुनौतियाँ रही हैं रियल इस्टेट पर, खासकर उसका असर पड़ा हुआ है और उसका असर पूरे अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा हुआ है। आपको पोस्ट लॉकडाउन क्या चैलेंज नज़र आते? देखो, पोस्ट कोविड के अंदर आज रियल एस्टेट नवी मुंबई लास्ट 20-25 साल से बहुत अच्छी मार्केट है। कंपैरिजन मुंबई, थाना, कल्याण, डुमली, भिवंडी, जो मुंबई को विस्तारित जो होता था उसके सामने नवी मुंबई को रियल एस्टेट के अंदर स्टार्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिगनिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब यहाँ से APMC मार्केट वगैरह शिफ्ट हो गई, उसके बाद में यहाँ पर रेलवे आई, ये आई, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन कोविड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा करके हमारे पास जो मैन पावर है, जो मैन पावर आते थे ऑल ओवर इंडिया से आते थे, तो यहाँ पे जो ये जो घबराहट थी, और जो किसी को भी नहीं मालूम, तो हमको भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ऐसा माहौल मैंने मेरी लाइफ में देखा, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। इस माहौल में जब बाहर गाँव से कोई भी आता है कि वो सब बाहर चले गए, तो डेढ़ दो साल ढाई साल से तो पूरा हमारा बिजनेस पूरा ठप था बोले तो वर्किंग बंद थी। और जब ही ये जब स्टार्ट हुआ, उसके बाद में मुंबई में बोलो, नवी मुंबई में बोलो, और ख़ास करके नवी मुंबई में बोलो, जो रियल एस्टेट की मार्केट खुली है वो अनबिलीवेबल है, जो हमारी धारणा से एकदम ज़्यादा खुली है। जैसे कि अभी आप देखे होंगे कि अभी करीबन सिडको ने 400 से 500 टेंडर खोले विद इन 4 से 5 महीने में। इतना सप्लाई कभी भी नहीं रहती थी, लेकिन एक एक टेंडर के अंदर 5 से 7 जन कंपटीशन वाले रहते थे। आप उसका अंदाज लगाओ कि उसके ऊपर से नवी मुंबई का डिमांड क्या है। कि देखो, एक जो चीज़ रहती है डिमांड और सप्लाई, क्योंकि कभी भी नवी मुंबई में डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कमी थी। लेकिन अभी की गवर्नमेंट ने इतना 5-6 महीने में जो इतने टेंडर निकाले, और पर टेंडर समझो एक एवरेज भाव पकड़ो, लाख रुपये का भी एवरेज भाव पकड़ो या 1.25 लाख रुपये का एवरेज भाव पकड़ो, और 350 से 400 टेंडर आए हैं, और उसके अंदर इतने पार्टिसिपेट थे, एक में 5, एक में 7, एक में 10, यही निशानी है रियल एस्टेट, ये नवी मुंबई की कहाँ जा रहा है। और बिकॉज फ्रॉम ये नवी मुंबई की मार्केट चल रही है, वो उसका कारण है सिडको का इंफ्रास्ट्रक्चर, कि ये आपको मुंबई में नहीं देखने को मिले, थाना में देखने को नहीं मिलेगा, भिवंडी में नहीं, कल्याण डोमिली में भी नहीं। ऑफकोर्स ये प्लानेट सिटी है, जो आज से 40-45 साल से विजन से बनाई गई सिटी है, और इसका भविष्य ऐसा है कि दिल्ली नवी दिल्ली, जैसे कि दिल्ली नवी दिल्ली, आज अपन दिल्ली जाते तो नवी दिल्ली मालूम है, जूनी दिल्ली में जाते नहीं है। हो सकता है अगला 15-20 साल के अंदर कि नवी मुंबई इतना टॉप लेवल पे आ जाएगी कि शायद मुंबई को सब भूलेंगे, क्योंकि यहाँ का डेवलपमेंट उस तरीके से आ रहा है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो आदमी को जीने के लिए मेन चाहिए इंफ्रा, तो जैसे कि रोड कनेक्टिविटी, आज कनेक्टिविटी में अगर पानी बोलो, हवाई बोलो, रोड बोलो, रेड बोलो या मेट्रो बोलो, हर एक के अंदर नंबर 1 है नवी मुंबई। नंबर 2 एजुकेशन चाहिए, आज मुंबई के अंदर एजुकेशन गिनी चुनी है, उसके सामने नवी मुंबई में आपको पूरा देश निकालोगे तो मुंबई के मुकाबले में 400 या 500% ज़्यादा यहाँ पे एजुकेशन है। हब के हिसाब से डेवलपमेंट हुआ। अब आ जाओ आप दूसरी चीज़ के लिए अंदर, हॉस्पिटैलिटी के लिए बोलो, हॉस्पिटल्स यहाँ पे देखो, या हर चीज़ देखो, मतलब यहाँ पे वोकार्ड भी है, मतलब दीरा नंदानी हॉस्पिटल है, MGM है, ऐसे बहुत सारी है, तो MGM हॉस्पिटल भी है, फिर DY पाटिल भी हॉस्पिटल है, तो मतलब स्वास्थ्य रीत से देखो, या ग्रीनरी के हिसाब से देखो, सिडको के प्लानिंग के हिसाब से देखो, इंसान को जीने के लिए एक अच्छी सिटी चाहिए, जैसे कि चंडीगढ़ का नाम देते हैं, तो आज चंडीगढ़ के कंपैरिजन में आज नवी मुंबई के प्लानिंग में इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो यहाँ की जो रियल एस्टेट है, तो उसको यहाँ के बिल्डर तो है ही, यहाँ के डेवलपर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा इसमें महत्व का पार्ट
वो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और इसको डेवलप करने के लिए जो सपना साकार हुआ था 40-45 साल पहले, वो अभी साकार होते हुए दिख रहा है। सिडको की भूमिका बहुत बढ़िया रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर वन रहा है, जिसकी वजह से ये मौका मिला इस सिटी को डेवलप होने के लिए। इंडिया का सेकंड लिवेबल सिटी मुंबई को दर्जा मिला है उसका। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो महानगर पालिका से जुड़ा हुआ हो या सिडको से जुड़ा हुआ हो, वो एक रेटिंग बेहतरीन हुई, तभी दो नंबर की सिटी इंडिया में हुई। आपको लगता है कुछ कमी रह गई है, नंबर वन सिटी हो सकती है आज नवी मुंबई में? आप मुझे बताइए, आप एक पत्रकार हो, आप तो पूरे सिटी में घूम रहे हो, आज इसके जैसा आपको बेस्ट इजी लाइफ या अच्छी लाइफ अगर आपको दिखती है तो मुझे बताओ। अभी सेकंड दर्जा आपने बोला हो, अभी जैसे यहाँ पे सिडको मेहनत कर रही है अच्छी से अच्छा इंफ्रा करने की, लेकिन यहाँ की NMMC भी कम नहीं पड़ रही है। आज NMMC भी देखो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर महाराष्ट्र के अंदर अपन आ रहे हैं और अपन इंडिया के अंदर थर्ड नंबर पर आ रहे हैं, और अभी की रेटिंग में मुझे पूरा विश्वास है और गवर्नमेंट और NMMC और सिडको के अंदर कि नंबर फर्स्ट आएगा। कि इस टाइम पे उन्होंने बोला कि हर डेवलपर को माजा शहर माजी भागीदारी, उन्होंने जो स्लोगन निकाला है तो उसमें देखो मुझे भी मन हो रहा है कि मैं भी उसका पार्टनर हूँ, क्योंकि ये सिटी में मैं एक खाली डेवलपर नहीं हूँ लेकिन मैं यहाँ का सिटीजन भी हूँ। तो मेरा सिटीजन होता है फर्ज बनती है कि मैं ये सिटी को कैसे फर्स्ट नंबर आवे, जो अगली जनरेशन के मतलब इंफ्रा तो है ये चीज़ है, अगर मेरा छोटा मोटा पॉइंट परसेंट में भी अगर मेरा सहयोग रहे तो एक खुशी अलग होती है, वो खुशी के ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। केंद्र सरकार ने कहा था कि 2022 में सभी बेघरों को घर मिलेगा, 2022 चल रहा है, आपको लगता है कि ये लक्ष्य जो है पूरा हो सकेगा जल्दी? देखो जहाँ तक मुंबई नवी मुंबई का सवाल है, आज सिडको ने इसमें बहुत अच्छी पहल की है। जैसे आप देखो तो घनसोली जैसी सिटी प्राइम, फिर दूसरा वाशी देखो, खारघर देखो, जो प्राइम एरिया पे अफोर्डेबल सोच भी नहीं सकते वहाँ पे सिडको ने ये सब निकाला है। मतलब आप सेंट्रल पार्क के सामने या घनसोली के पाम बीच पे एक आम आदमी सोच ही नहीं सकता कि मेरा प्लेट उधर हो सकता है, तो वो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है। मतलब गवर्नमेंट का उद्देश्य क्रिस्टल क्लियर है कि छोटे आदमी को भी अच्छी सिटी के अंदर फ्लैट मिलना चाहिए, वो सामने दिख रहा है, मतलब बिल्डिंगें बन गई है, तो वो जो सपने हैं बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने साकार करके सामने दिख रहा है, डेवलपमेंट करके दिख रहा है। सिडको ने एक बहुत तामझाम के साथ स्मार्ट सिटी की घोषणा की थी और उसका शुभारंभ भी हुआ था। एक रियल स्टेट के क्षेत्र के मशहूर व्यक्ति होने के नाते और एक्सपर्ट होने के नाते आपको क्या लगता है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आखिर क्यों फेल हो गया, क्या वजह इसके पीछे रही? देखो स्मार्ट सिटी का एक एक्सपेरिमेंट आप पुष्पक नगर में देख सकते हो, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया था 2015 या 16 में, आप पुष्पक नगर का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आइए, आप उधर देख के आइए, फ्री में पहले से वहाँ पे वो चैनल वगैरह बना के, मतलब खड्डी रोड बना तो खड्डा खोदने की ज़रूरत नहीं, जितने भी आपको वायर ऑप्टिकल फाइबर लेके जाना है या कोई वायर लेके जाना है या केबल लेके जाना है, वो सुविधा उसकी सैंपल के तौर के ऊपर आप पुष्पक नगर में ऑलरेडी बना हुआ है। अभी एक में सक्सेस होती है तो दूसरी जगह पे आ गई। जब ये 70-75 के अंदर सिटी का निर्माण करने का ये सोचा था, उस टाइम पे स्मार्ट सिटी का कोई कंसेप्ट नहीं था। स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट लास्ट 5-7 साल के अंदर आया है और वो पार्टली लेकिन नवी मुंबई में इम्प्लीमेंट हुआ है, जो किधर भी नहीं हुआ है, खाली बातें हुई है लेकिन नवी मुंबई में इम्प्लीमेंट हुआ है, जिसका मुझे गर्व है एज ए सिटीजन। एक चीज़ जो नैना जो था इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कहा गया था, अभी तो सिडको MD ने बोल भी दिया कि दिसंबर 2024 में उड़ान होगी, आपके सामने सारी घोषणाएं हुई हैं क्योंकि आप बिल्डर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं और अब घोषणा हुई है कि दिसंबर 2024 तक मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान होगी। चूँकि ये रियल इस्टेट के डेवलपमेंट को लेकर, इस सिटी के डेवलपमेंट को लेकर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा आधार है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, इसमें देरी का कारण क्या हो सकता है? देखो सबसे पहले आपका देरी का कारण मैं बताऊं, 94-95 के अंदर एयरपोर्ट डिक्लेयर हुआ है, 15-16 में नहीं, 94 के अंदर 12 स्कीम डिक्लेयर हुई थी, 94-95 में 12 अलग अलग स्कीम हुई थी, जिसमें साइंस सिटी है, एयरपोर्ट है, पाम बीच है जो पाम बीच बन गया है, ऐसे 12 अलग 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 चीज़ें बनी थी, जिसके अंदर से अभी खाली एयरपोर्ट बाकी है और साइंस सिटी बाकी है, बाकी सभी चीज़ें बन गई है। ठीक है, कोई कारण सर एक्विजिशन के अंदर बोलो, देखो जमीन एक्विजिशन करना
जो ऑलरेडी वो जो नोटिफाइड एरिया में था, लेकिन वो एक्विजिशन उसका नहीं हुआ था। और यहाँ पे सिटी का जब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट नेचुरली जो लोकल गांव वाले रहते हैं उनकी अपेक्षा बढ़ती है। ये जैसे पहले की यहाँ की एक्विजिशन किया था तो 70 में एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, और उसके बाद में जो लेट होने का कारण है वो बिकॉज फ्रॉम एक्विजिशन जो 15-16 में कंप्लीट हुआ, और 15-16 के बाद वो जो एयरपोर्ट बना और उसका आज की तारीख में काम चालू है। समझो क्या, ये आज मैं तो ये सुकून से हूँ कि भाई हमने 95 की जगह पे आज हमको दिख रहा है साल दो साल या तीन साल में एयरपोर्ट बनेगा। नंबर एक है आपका जवाब। नंबर दो, यहाँ का एयरपोर्ट ये नवी मुंबई कर की ज़रूरत नहीं है, ये मुंबई कर की ज़रूरत है या थाना की ज़रूरत है। ये तो सिडको प्रोवाइड कर रही है इतनी अच्छी फैसिलिटी वाला इंटरनेशनल। और देखो कहाँ पे एक एयरपोर्ट, आप सिंगापुर में जाओ या हीथरो में जाओ या दुबई में जाओ, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, इधर से उधर, मतलब चार पांच टर्मिनल रहती है। जो यहाँ के एयरपोर्ट का प्लान है वो एयरपोर्ट को भी, मुंबई के एयरपोर्ट को भी वो जीरो नहीं कर रहे, क्योंकि इतना एयर ट्रैफिक बढ़ने वाला है, क्योंकि अपना कैपिटल सिटी है तो एयर ट्रैफिक तो बट नेचुरल बढ़ने वाला है। प्लस वो यहाँ पे जो इंफ्रा रोजगार इंटरनेशनल लेवल की कंपनियाँ आ रही है तो ये तो बहुत बढ़ने वाला है। तो ये एयरपोर्ट से वो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी वर्ल्ड में शायद फर्स्ट टाइम होगी, क्योंकि मुंबई टू नवी मुंबई, ये एयरपोर्ट से निकल के वो एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट से निकल के ये एयरपोर्ट, उसकी स्पेशल खाली लाइन विदाउट कोई रेलवे स्टेशन के बिना, ये फर्स्ट सिटी होगी वर्ल्ड के अंदर। ये चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। हर एक के पहले पहलू रहते, नेगेटिव भी रहते हैं पॉजिटिव भी रहते हैं। मैं एक सिटी का नागरिक है, पॉजिटिव ज़्यादा लेता हूँ, तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही, हर चीज़ के एक एक उसका पॉजिटिव पहलू भी है। आने वाले समय में जैसा कि अभी खुद डिक्लेयर कर दिया गया है कि 2024 या 25 ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट होगा, नवम्बई को किस मुकाम पर आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट बनने के बाद नवम्बई के जो विकास की रफ्तार है और बड़ी होगी, रियल इस्टेट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रियल इस्टेट की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे जो रोजगार आ रहा है शायद वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा रोजगार इधर आ रहा है। नंबर दो, कोई भी 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके 1,40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती है, जिसके अंदर एयरपोर्ट भी आ गया, ट्रांस हार्बर भी आ गया, ये डबल हाईवे हो गया, ये जो अपना हर JNPT भी है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी तक आम डेवलपर को, आम पब्लिक को ये मालूम नहीं है। लेकिन मैं यहाँ से 88 से नवी मुंबई से जुड़ा हुआ हूँ, जब नवी मुंबई में APMC मार्केट भी शिफ्ट नहीं हुई थी, रेलवे भी चालू नहीं हुई थी, ये रोड भी छोटे थे, तो तब से मैं नवी मुंबई को देखते आ रहा हूँ, उसका ग्रोथ क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी आप बोलते हो कि रियल एस्टेट की नज़र से, मेरे को तो यहाँ पे 20 से 25 लाख मिनिमम रोजगार दिख रहा है। मैं आंकड़े के साथ, नंबर्स के साथ बता सकता हूँ कि भाई समझो कि आप एयरपोर्ट आया तो एयरपोर्ट के अंदर आपका रोजगार आएगा तो कितने आएगा, तो एयरपोर्ट के लगता आपका होटल्स आएगी, उसमें काम करने वाले आदमी आएंगे, कुरियर आएगी उसमें आदमी आएंगे, मुसाफिर आएंगे उनके आएगी, तो ये जो एयरपोर्ट के लगती जो इंडस्ट्रीज आएगी उसके अंदर करीबन 90,000 से 1,00,000 के 1.5 लाख का रोजगार आएगा। सबसे बड़ी चीज, आज रिलायंस का जायंट नवी मुंबई में रियल एस्टेट में, जिसकी द्रोणागिरी, कलमबोली और उलुआ में प्राइम अच्छी लैंड है जो सिडको के साथ पार्टनरशिप में है, बट नेचुरली इतने बड़े स्केल के ऊपर जब कोई सिटी के अंदर आते हैं तो डेफिनेटली उनका विज़न अलग रहता है। हमारा विज़न तो बहुत छोटा रहता है, लेकिन वो जब ये आते हैं तो उसका विज़न अलग रहता है। और आपको लास्ट 4-5 साल के अंदर रिलायंस ने अपना हेडक्वार्टर ऑलरेडी रबाले गंसोली वहाँ किया है, तो करीबन वहाँ पे कितना रोज़गार आया है, 5 से 7 लाख का तो वहाँ रोज़गार आ गया है। नंबर टू, आप जब भी वो MIDC एरिया है उसके अंदर जो रोज़गार आ रहा है, सब ये कॉल सेंटर आ रहे हैं, डेटा सेंटर आ रहे हैं, टाटा आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई है, तो ये सिटी को कहाँ लेके जाएगा, वहाँ पे काम करने वाले को फ्लैट नहीं लगेंगे। और अगर मैं इधर काम करता हूँ, मेरे आजू बाजू 5-10 किलोमीटर में मुझे घर मिलेगा, तो मैं कोई भिवंडी नहीं जाने वाला हूँ, न को मैं बॉम्बे जाने वाला हूँ, न मैं कल्याण डोंबिवली जाने वाला हूँ। किफ़ायती भाव में देना चाहिए, किफ़ायती भाव में मिलना चाहिए, और आपको यहाँ के बिल्डर की आप देखते हो ग्रोथ देखते हो तो कम मार्जिन में, वर्ल्ड में अगर कम काम करता है तो कोई बिल्डर यहाँ पे नवी मुंबई में करता है, इसके वजह से ग्रोथ हो रहा है।
एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ जो एरिया था नैना, जो इंटरनेशनल नैनबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोटिफाइड एरिया था, उसमें आज भी तमाम दिक्कतें हैं जो सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी हालिया नैना बिल्डर्स एसोसिएशन ने एक कंप्लेंट डाला था कि उसमें TDR जो उसकी नियमावली है उसमें TDR शामिल होना चाहिए, इसको लेकर क्या चुनौतियाँ हैं? देखो जहाँ तक नैना का है, नैना में आप तो अभी बोलते हो 2005 में जब वो MOF मिला, ये क्लियरेंस मिला, उसके अंदर 15 किलोमीटर का एरिया एयरपोर्ट के आजू बाजू का वो कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी डेवलप करनी चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे सिडको के पास इंजीनियर से प्लानिंग से लेकर डिज़ाइन से लेकर सब कुछ है, तो वही अथॉरिटी आने वाली थी और कोई अथॉरिटी नहीं आने वाली थी, उसी हिसाब से हमने सब लैंड खरीदी है। अब रहा सवाल 2012 में 11 में उसका नोटिफिकेशन आया, 12 से इसकी पॉलिसीज आने लगी है, तो इन पॉलिसीज के बीच में जब भी जो जो MD आए मेरी डिस्कशन हुई है, हमारे ऐसा बिल्डर एसोसिएशन नवी मुंबई की तरफ से बहुत स्ट्रांगली हमने बताया है, और यहाँ तक कि गुजरात मॉडल लाओ जैसे गांधीनगर के या गुड़गांव जो वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे क्या स्कीम है वो लेके आओ। आप ये जो डेवलप नहीं हो रहा है, जो बहुत बड़ा स्कोप है नवी मुंबई आजू बाजू डेवलपमेंट के लिए, रेवेन्यू के हिसाब से सिडको के लिए या पनवेल म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन के लिए, फ्यूचर के रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए, और ये तभी पहले 60-40 की निकाली, 60-40 का GR 2016 में निकल गया, उसके अंदर कैसा था कि मिनिमम 25 एकड़ ऐसा होना चाहिए था, अगर वो 25 एकड़ वहाँ पे 5 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ करके बिल्डर आपस में मिलके आते थे तो एक डेवलपमेंट होता था। फिर एक टाउन प्लानिंग स्कीम लेके आए, अब टाउन प्लानिंग स्कीम के अंदर जो गुजरात मॉडल है जो आपको एकदम फास्ट में फास्ट इंडिया में ग्रो हुए तब देखेगा, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट खुद इंफ्रा बनाती है, पहले रोड बनाती है, ड्रेनेज बनाती है, स्ट्रीट लाइट बनाती है, और फिर आदमी क्यों प्लॉट नहीं लगा। अब सिडको का भी डेवलपमेंट पहले रोड बन रहा है, प्लॉट होता है, ड्रेनेज होता है, स्ट्रीट लाइट होती है, स्कूल्स होती है, गार्डन होता है, तो पब्लिक क्यों नहीं आएगी। लेकिन अपने उधर हुआ क्या है, जब 15-16 में ये हो गया उसके बाद में TPA स्कीम में गए, अब TPA स्कीम में कैसा उल्टा है, 40% एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि अफोर्डेबल बनाने का, और दूसरी तरफ 40% आपको देने का, 60% का FSI उसमें लोड करने का। अब जब 60% उसमें लोड करना है तो आपका मिनिमम बेयर मिनिमम 18 माले का बिल्डिंग बनाएंगे तब प्लानिंग हो जाएगा। अभी 18 माले का बिल्डिंग बनाओ एक तो 4 साल या 5 साल का पीरियड लगेगा, अगर समझो वही 60% रहता तो 7 माले की बिल्डिंग रहती थी, 7 माले की बिल्डिंग रहती तो कितने पीरियड में, 2 साल में कंप्लीट हो जाती थी, तो 2 साल में एक अफोर्डेबल आदमी जो चाहता है उसको दे सकते हैं, तो 2 साल में कंप्लीट होता है तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम है, उसका मेंटेनेंस कम रहता था, फिर उसको इसके साथ साथ में रोड बनाते थे, तो जो ओरिजिनल सपना था अफोर्डेबल का वो तो हमने बिल्डर एसोसिएशन ने हमने पहले बोला था ये स्कीम लाओ, तो जिसके अंदर हम खुद ही 5-10 लाख कर देते थे, कि जो भाव में सिडको का काम नहीं है वो काम हमारा था, और आजू बाजू पडवेल एरिया ये जो भी है सिडको बहुत अच्छी मेहनत कर रही है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पॉलिसी अगर गलत रहेगा तो परवड़ेगा नहीं, हमको परवड़ेगा नहीं तो हमने खरीदना बंद कर दिया, खरीदना बंद किया तो कावले का विरोध हुआ, बाकी आज तक कभी भी सिडको एरिया के अंदर कोई भी कावले की कोई कंप्लेंट नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि उनको 12.5 टके का बराबर उनको मुआवजा मिल जाता था, बहुत एडिशनल मिला उनको पहले मिला, और वो गवर्नमेंट में कोई पाची पानी इसके लिए सिडको की सक्सेस में एक बहुत नीचों की चीज़ ये। तो ये जब नैना अगर सक्सेस करना है सिडको को तो पॉलिसी में उनको चेंज करना पड़ेगा, उसके अलावा ये 18 माला 20 माला 22 माले में आज की तारीख में, और सिडको खुद भी दे रही है ना, सिडको खुद अफोर्डेबल दे रही है, सिटी के अंदर दे रही है, तो वहाँ पे जहाँ पे इंफ्रा नहीं है, रोड नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्कूल नहीं है, वहाँ पे कैसे हो जाएगा। और रहा सवाल TDR का, TDR का मतलब ही क्या है यहाँ पे, जब तुम्हारा 40% लैंड मिलेगी उसके ऊपर तुम 60% चढ़ाओगे, 18-20 माला जाएगा, तो अभी तो TDR की बात ही करना बेफुजुल की बात है, वही 18-20 माला जाता है, और अच्छी प्लानिंग ये वो सब करोगे तो 25 माला जाएगा, 25 माला में कैसे परवड़ेगा अफोर्डेबल, मुझे कौन से बिल्डर को परवड़ेगा, तो इसके लिए वो ठंडा पड़ गया है। भूमिराज ग्रुप खुद कई ऐसे प्रीमियम प्रोजेक्ट और बड़े प्रोजेक्ट चला रहा है जो बहुत ही महत्वाकांक्षी है और जो आइकॉनिक है, थोड़ी जानकारी दी। मैंने जितना बनाया पास्ट में आपको मालूम है, करीबन मैंने 5 से 7 हज़ार करके डिलीवरी दे के 2005 में तो मैंने काम बंद कर दिया, क्योंकि तब मैंने लैंड खरीदना चालू किया, क्योंकि दिन ब दिन इसके अंदर तकलीफें बढ़ते जा रही थी, हर एक चीज़ रहती है तकलीफें हर एक एंगल से रहती है, उसमें एक एंगल नहीं रहता, खाली एक गवर्नमेंट का बोलूँ या कस्टमर का बोलूँ या कंपटीशन का बोलूँ, वेरिएशन रहते हैं, उससे अच्छा जमीन लेके
संभाल के उसको अच्छी तरह से डेवलप करके, तो मैंने जमीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन किया। क्योंकि सिडको भी देखो, सिडको ने क्या खरीदा था, सिडको की जमीन 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया मीटर में जा रही है, सोच सकते हैं आप। तो आज आज बीकेसी में जाओ तो यह भाव में जमीन नहीं जा रही है जो ये जा रही है। दूसरा, ग्रोथ के लेवल पे आप देखो, पाम बीच पे मैंने 10,000 रुपया मीटर से जमीन खरीदी थी ऑक्शन में, टेंडर में, वही टेंडर में 4 लाख रुपया मीटर में जमीन जा रही है, और खरीदने वाला वही 10,000 वाला है। तो आपको नवी मुंबई का ग्रो उधर मिलेगा। तो अभी जो मुझे प्रोजेक्ट करना है, आइकॉनिक प्रोजेक्ट करना है, जैसे पाम बीच पे आपने देखे होंगे, मैंने जब ये पाम बीच में तो कुछ भी नहीं था, जब मैंने मोराज रसी बनाई तो वहाँ का म्यूनसिपलिटी मैं था, वहाँ का रोड, ड्रेनेज, ये इलेक्ट्रिक सब मैं लेके आया। ये प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं किया है, अभी तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का मेरा काम चालू है। और दूसरा, मैं इसमें रुका क्यों हूँ, क्योंकि अभी हाइट है 55 मीटर की, मेरा ऑलरेडी आरएल बोले तो टेकड़ी, मतलब वो हाइट लेवल क्या रहता है उसी हिसाब से एयरपोर्ट अथॉरिटी की परमिशन मिल रही है। आज क्या हो गया है कि जितने काम चालू किए थे बंद करने की बारी आई है, तो अब मेरे को 55 मीटर का ऑल ओवर समझो मुंबई, नवी मुंबई में अभी जब तक एरोनॉटिकल और एयरपोर्ट का नहीं हो रहा है तब तक वही हाइट रहने वाली है, चालू करके बंद करने का, उससे अच्छा जब हाइट का क्लियरेंस आएगा चाहे एरोनॉटिकल रहे। और मैं तो स्पेसिफिक ये जो मेरा प्रोजेक्ट है भूमिराज हिल्स, वो शील्डिंग बेनिफिट में आता है। ये शील्डिंग बेनिफिट ऐसे सामने खारगिर हिल है और इधर पारसी किल है, खारगिर हिल की हाइट है 240 से 250 और ये जो पारसी किल की है 135, तो ये दोनों के बीच में मेरा प्रोजेक्ट है। तो मुझे शील्डिंग बेनिफिट मिलनी चाहिए, वो हिसाब से मैं दिल्ली के चक्कर काट रहा हूँ। इसमें लोकल गवर्नमेंट का नहीं है, क्योंकि वहाँ से क्लियरेंस मिलती है, क्योंकि सिडको का भी बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके हुए। अच्छा। और सिडको भी अपने लेवल से बहुत अच्छी तरह से ट्राई कर रही है, और वो खुद के प्रोजेक्ट भी रुके। अभी देखो कैसा है, पारसी किल के अंदर पूरे बंगले बने हुए हैं, अरे उसके बाद में सिडको ने टेंडर किया। अब आप सोचो, जो पारसी किल में टेंडर किया वो डेवलप नहीं कर सकते, क्यों, हाइट नहीं मिल रही है, जीरो हाइट, तो ये क्या है? तो कहने का मतलब आज ये गवर्नमेंट का नुकसान है ना। देखो, एक हाइट का क्लियरेंस नहीं है, हमारा नुकसान छोड़ो, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सिडको लोग, सिडको का कितना करोड़ का रेवेन्यू डूबा हुआ है, सिडको का कितना करोड़ का ये सब प्लॉटें रुके हुए हैं। तो इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं, उसमें और जल्दी से जोर लगा के ये सॉर्ट आउट जल्दी करना चाहिए, और सिटी का डेवलपमेंट देखना चाहिए, और फास्ट ग्रोइंग इसमें होगा। क्योंकि फिर ऐसा हो जाएगा, 4-4, 6-6 साल अगर प्रोजेक्ट अटका रहेगा तो नवी मुंबई की जो इमेज है वो इमेज पे धक्का आ जाएगा। रियल एस्टेट की इमेज पे धक्का नहीं आने के लिए उनको कोशिश करनी चाहिए अच्छी तरह से, और जल्दी से जल्दी ये हाइट का निपटारा करना चाहिए, नैना का डेवलपमेंट करना चाहिए। ये जो आपका विजन है कि एक ऐसा इकोनिक प्रोजेक्ट तैयार किया जाए जो नई मुंबई की पहचान बने, यहाँ से अच्छा एकदम डेवलपमेंट नंबर वन, जैसे अपना NRI आइकॉनिक है, पाम बीच आइकॉनिक है, मेरा भूमिराज है, ये प्रोजेक्ट मुझे आइकॉनिक बनाना है, जो मुंबई से भी कप परेड से शिफ्ट होके आदमी इधर आवे, या क्वीन नेकलेस से शिफ्ट होके इधर आवे, ये प्रोजेक्ट में ये मेरा विजन है। क्या क्या खासियत है, जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है जो आपने बहुत ही ब्यूटिफिकेशन इतना अलग तरीके से किया है, एक पहाड़ी इलाका है, इसके बावजूद इसको आप नए सिरे से डेवलप कर रहे हैं, नए सिरे से इसको डेकोरेट कर रहे हैं। इसके अंदर मेरे को म्यूनसिपालिटी सिडको का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है, वो भी मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे मेरी पूरी एक क्लब हाउस, 7-स्टार क्लब हाउस बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रोजेक्ट में क्लब हाउस है नहीं, लेकिन वहाँ पे ऑपरेशनल नहीं है। जैसे कि आप देखो ना, कितनी क्लब हाउस बनी हुई है अच्छे अच्छे प्रोजेक्टों में, लेकिन ऑपरेशनल नहीं है। ऑपरेशनल क्यों नहीं है, क्योंकि उसको हैंडल करती थी सोसाइटी, और सोसाइटी में तो देखो 10 माथे रहते, 10 दिमाग रहते, बराबर है। स्विमिंग पूल कितने बने हुए, कभी पानी वापिस हो 2-4 बार जाते हैं, बाद में आते नहीं है। जिम बनते हैं, 2-4 दिन मैं प्रोजेक्ट में आऊँगा दौड़ूंगा, बाद में आऊँगा नहीं। तो ये मुझे ऐसे बना के ऑपरेशनल हो गए, आज से नहीं 50 साल तक ऐसी क्लब हाउस बनाने की है। इसमें डस्ट टाइप के रेस्टोरेंट रूम्स, ये वो, मतलब नई मुंबई के, ये अभी तो बस्ती 25-30-40 लाख की है, एयरपोर्ट बाजू में है, नंबर नंबर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर एयरपोर्ट, तो वो वाटर ट्रांसफर भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। ये पूना एक्सप्रेस हाईवे सामने दिख रहा है, पाम बीच के टच है, तो मेट्रो स्टेशन का टर्मिनल सामने, रेलवे स्टेशन सामने। अगर ऐसी मेरे को जगह में, भले मेरा 200-300 करोड़ रुपया गया है ये इंफ्रा में, लेवलिंग इधर उधर सब करने में, लेकिन अभी ऐसी एक लगाव हो गया ये कि उसको ऐसा बनाने का कि मुझे टारगेट ये है कि कप परेड का आदमी इधर आना चाहिए। क्यों क्यों आएगा? क्योंकि वो कप परेड से निकलेगा शिवरी ना, शिवलिंग पे निकलेगा, शिवलिंग का 15 मिनट,
और एयरपोर्ट का अपना 1 किलोमीटर वहाँ पे वो खुल रहा है, बराबर है, एक वहाँ पे जंक्शन खुल रहा है, दूसरा जंक्शन खुल रहा है सीधा गोवा रोड के ऊपर, जो एक गोवा जाएगा, दूसरा पुणे जाएगा, एक पनवेल जाएगा, एक एयरपोर्ट जाएगा और एक बम्बई जाएगा, राइट। तो फर्स्ट जंक्शन ही है। तो देखो उल्वा इसके लिए बेस्ट आइडियल है, द्रोणागिरी है, लेकिन और द्रोणागिरी में मैनग्रोव और उसमें अटके हुए हैं, उल्वा का भी कुछ एरिया मैनग्रोव और ये इसके कारण रुका हुआ है। तो अगर इसको बनाएंगे लग्जरी तो बम्बई की जितनी आदमी ढूंढते हैं ना 3 बेड वाले, वो 5 बेडरूम ढूंढते आएगा, लग्जरी साइज है वो सब अभी लग्जरी करनी है। हालांकि मैंने पहले स्टार्ट किया था वो छोटे छोटे एरिया, क्या 15-16 की मार्केट वो थी, अभी एक तो मेरे को हाइट का वो छोटे छोटे का यहाँ डिमांड नहीं है, यहाँ पे जो डिमांड है ना बड़े फ्लैट चाहिए। अभी ये जो डेवलप होने के बाद, पहले तो नहीं दिख रहा था, अभी सब बोलते नहीं इधर लग्जरी चाहिए, लग्जरी चाहिए, क्यों? क्योंकि आदमी के पास लग्जरी पाम बीच में चॉइस नहीं है, लिमिटेशन खत्म हो गई, NRI है, फिर पाम बीच के जितने प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गए, किधर भी नहीं, मेरे भी जितने प्रोजेक्ट इसमें फ्लैट नहीं है, अभी एक दो प्रोजेक्ट जो चालू है उनका भी अपने रिश्ते माल बिक रहा है। तो ये सब चीज़ें की खूबी है, तो यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट पे ध्यान दे के अच्छा बनाने का। जब हाल में बजट गया था 2 महीने पहले, सरकार ने बहुत सारी चीज़ें रियल इस्टेट के लिए की थी, आपको क्या लगता है जो पॉलिसीज थी वो रियल इस्टेट को कितना उबार सकती है, और आप एक बतौर एक्सपर्ट आप क्या देख रहे हैं कि कोई और पॉलिसी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, कोई और राहत की बात होनी चाहिए? देखो सरकार का लक्ष्य था कोई लग्जरी फ्लैट के लिए, सरकार का लक्ष्य नहीं था। सरकार ने 2015 में अफोर्डेबल हाउसिंग को, जैसे आपने पहले बताया कि 2 लाख घर का हर एक को घर मिले, वो हिसाब से गवर्नमेंट ने 14-15 में एक स्कीम निकाली थी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, जिसके अंदर 30 मीटर का एरिया था और वो तुमको बनाने का था, तो उसमें इनकम टैक्स ATI भी बेनिफिट था, तो जिसके अंदर तुमको टैक्स नहीं था। पहले कैसा था, ATI भी था 2000 के अंदर, लेकिन उसके अंदर मैट मतलब मिनिमम मुझे जो भरना है टैक्स वो मेरे को 8 साल तक मिलता था। तो गवर्नमेंट ने इनको बढ़ावा देने के लिए ये टाइम मैट का प्रोविजन किया था 15 साल के लिए, जो बिल्डर लॉबी के लिए बहुत ही फायदेमंद था, जो अभी ये बजट के अंदर कंप्लीट हुआ, मतलब अभी 24 तक तुमको ताला चाबी लगाने का है, वो ताला चाबी लगाए उनको ATI का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, अभी वो नहीं है ये बजट में नहीं आया, बाकी तो सब रूटीन है। क्या खास ऐसा सुझाव हो सकता है जो आने वाले समय में सरकार को उस पर ध्यान देना? फिलहाल मेरे को तो बर्निंग इश्यू खाली एयरपोर्ट दिख रहा है, मेन एयरपोर्ट है जिसका क्लियरेंस चिड़को को अभी जैसे एकदम पीछे उनका खुद का डेवलपमेंट रुका तो लगे वैसे एग्रेसिव हो के लगे, तो 8 दिन उधर एयरपोर्ट में बैठ के वो क्लियरेंस लाके यहाँ का डेवलपमेंट जो बिल्डर लोगों की बड़ी समस्या है, बर्निंग इश्यू है, वो पहले ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से कितने चालू प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं, तो इसमें ध्यान देना चाहिए। बाकी तो हमारा पार्ट है, और दूसरा नैना पे ध्यान देना चाहिए, नैना की पॉलिसीज पे ध्यान देना चाहिए। प्रॉपर्टी एक्सपो होने वाला है BNM का, और ये 20वां साल है और इसकी शुरुआत आपसे हुई थी, तो अब 20 साल बाद BNM जो प्रॉपर्टी एक्सपो है उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं, और क्या खास बात होगी इस बार? मार्गदर्शन नहीं है ये बिल्डर के लिए, अपन एक सोशल काम करते हैं तो एक छोटी मोटी इज्जत बनती है, छोटी मोटी इज्जत। और दूसरा हम स्टार्टिंग से BNM से जुड़े हुए हैं, ये 19 एग्जीबिशन और 20वां हमारा एग्जीबिशन है, तो एक तजुर्बा है, छोटा मोटा तजुर्बा है, वो हम शेयर करते हैं, हर साल एक नई टीम को तैयार करते हैं, नया कन्वीनर तैयार करते हैं, जिससे वो अगले टाइम अगले टीम के अंदर दूसरे तैयार हो जावे, वो टीम हम तैयार करते हैं। कि ये टाइम का एग्जीबिशन 2 साल कोरोना का गया, हर साल हमारा एग्जीबिशन जनवरी फेब में हमारा रहता है, दिसंबर जनवरी। और एक्सपो का मतलब क्या होता है, अभी देखो मैं एक बिल्डर हूँ, मेरी ऑफिस पाम बीच पे है, दूसरे को किसको पनवेल चाहिए, किसको कामुटा चाहिए, किसको द्रोणागिरी चाहिए, किसको उल्वा चाहिए, किसको गंसोली चाहिए। अब ये एक्सपो करने का कारण क्या रहता है कि जो नवी मुंबई का एक्सपो होता है उसको एरोली चाहिए या पनवेल चाहिए या द्रोणागिरी चाहिए या नैना चाहिए या खारघर चाहिए या वासी चाहिए, वो सब एक छत नीचे के नीचे सभी बिल्डर है, जो इधर आएगा हर वेराइटी दे सकता है, मतलब लग्जरी वाला, मिडिल स्टेजमेंट, लो स्टेजमेंट, MIG, LIG, अफोर्डेबल, सब चीज़ उसमें कवर हो जाती है। तो ये एक्सपो को हमको इतना रिस्पॉन्स मिला, बम्बई में दूसरे भी होते हैं, थाना में भी होती है, कल्याण में भी होते हैं,
और आपको तो मालूम हर बार एक्सपो में कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर या स्टेट मतलब सीएम तक आप यहाँ पे आते हैं या सेंट्रल मिनिस्टर आते हैं अभी, तो ये एक्सपो का पूरा अलग रहता है, क्योंकि नवी मुंबई के नज़रिए से आप देखा जाओ तो ये एक्सपो होना हमारे तो साल में दो बार करने का प्लान है। अभी ये टाइम क्या था, कोरोना के वजह से नहीं कर पाए थे, तो हमने अभी सब प्रदर्शन वगैरह चालू हुआ तो बहुत डिमांड थी। और ये टाइम तो हमारी हालत कैसी है कि अभी अभी बड़ी बड़ी सब ब्रांडें बाकी है और हमारे पास स्टॉल नहीं है, ये फैक्ट है अभी। लेकिन वो कोविड जो हम एग्जीबिशन सेंटर में करते थे तो हम सबका समावेश कर सकते थे, लेकिन ये टाइम क्या हुआ, हमको सामने का ग्राउंड मिला है जिसकी एक लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन में हमको काम करना है। खर्चा भी हमारा बढ़ गया है ये टाइम, क्योंकि हमारे को कोविड सेंटर में अभी जो रखा है, नहीं तो वहाँ पे करते थे तो हमारा आधे खर्चे में होता था, अब वो मैदान में करते तो पंडाल बनाना, एसी, गर्मी की सीजन है, तो ये हमारा खर्चा डबल हो गया। और बाकी एसओ तो आप यहाँ के जुने पत्रकार हैं, आपको मालूम है एसओ का क्या रिस्पॉन्स रहता है क्या नहीं रहता है, इतनी पब्लिक आती है, वो ऐसे जनरली कोई इतना रियल एस्टेट के एक्सपो में पब्लिक कोई नहीं देखती है। ये मुंबई वाले, थाने वाले, कल्याण वाले बोलते कैसे, तो बोला हमको देख के नहीं आता है, हमारा एक्सपो को देख के नहीं आता, हमारा सिटी को, हमारा सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के आते हैं, ये सिटी का आकर्षण ही है, वो लोही चुंबक बोलते हैं ना, लोही चुंबक है, वो चुंबक है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की अथॉरिटी मतलब सिडको, NMMC, अभी PMC आ गई, तो ये सब चीज़ का फर्क पड़ता है। सर एक दो आखिरी सवाल, भूमिराज ग्रुप के जो बायर्स हैं या जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अभी मैं 15 साल से काम नहीं किया है, मैं मेरे जो बायर्स हैं, मेरे जूने हैं, उनको मेरे स्टॉल में आने का इनविटेशन करूंगा। और सबसे पहले जब मैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा तो मेरा एक सिस्टम है, मेरे जो जूने कस्टमर रहते हैं उनको फर्स्ट लेटर जाता है, 15 दिन उनके लिए रहता है स्पेशल कंसेशन, क्योंकि वो पहले मेरे पे विश्वास किया, तो फर्स्ट चांस उनको रहता है। सेकेंडरी के अंदर हम लोग सीपी का बुलाते हैं, थर्ड हम लोग पब्लिक में जाते हैं, तो ये हमारा पहले से विजन रहा है। तो जो हमारे जूने कस्टमर रहते हैं ना, वही उनके कोई रिश्ते में वाले है या उनके कंपनी में कोई काम करता है या कोई दोस्त है, उनको ही लेके आते हैं। तो आज तक आपने कभी मेरी पेपर में ऐड नहीं देखी होगी, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जो क्योंकि हमारी लाइन के अंदर सर्विस मैन है। आप बोलते हैं ना ज़मीन बहुत है, लेकिन हम हर जगह पर बोर्ड नहीं लगाते, क्योंकि सेटिस्फेक्शन देना बहुत ज़रूरी रहता है। आप कोई प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट के बाद उसके बाद में तुम सेटिस्फेक्शन न दे पाओ तो ये सबसे बड़ी तुम्हारे ये खामी हो जाती है। तो जितना अपन कर सकते हैं उतना काम करने का। और जो जूने बायर्स का आपने मैसेज बोला, उनको पहले भी वेलकम किया था जब छोटे फ्लैट थे, अब मैं बड़ा भी करूँगा तभी भी उनको वेलकम है। एक आखिरी सवाल सर, नवी मुंबई इमर्जिंग सिटी है और आप इसको आंखों से देख रहे हैं, आपका विजन भी है कि इसे और बेहतर मुकाम मिले, जो इस बार का एक्सपो होगा उसमें इस इमर्जिंग सिटी के हिसाब से कैसे प्रोजेक्ट आएंगे जो अफोर्डेबल भी होंगे, लग्जरियस भी होंगे, तो किस तरह के प्रोजेक्ट होंगे जो ग्राहकों को हम बता सकें या अपने ऑडियंस को बता सकें? देखो 19 साल से आप एग्जीबिशन में देख रहा हूँ और लास्ट 15, 16, 17, 18 चार एग्जीबिशन से वेस्टर्न सब से हमारे पास 25% पब्लिक आई। हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, कहाँ से आया, क्या आया है, फ़ोन नंबर आया, ये आया है, ये सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट थी। लास्ट जो 19 में हमने जो एग्जीबिशन किया था वेस्टर्न सब से, नहीं तो हमारा जो कस्टमर है जो एक तो लोकल है, यहाँ आजू बाजू काम करता है, या सेंट्रल सब है, या थाना है, या कल्याण डोंबिवली, जो लास्ट है अभी उसके बाद अभी ये कोरोना का समय गया, कोरोना के समय के बाद नवी मुंबई अलग पिकअप है, अलग लेवल पे जा रहा है, बिकॉज फ्रॉम यहाँ का इंफ्रा तो ही रोजगार बहुत बड़ा रोजगार आ रहा है, अभी तक सबको नहीं दिख रहा है, 5 साल के बाद जब दिखेगा तो वो फ्लैट लेने के लिए ये मतलब कैपेसिटी में नहीं रहेगा। जो विजन से ये सिटी जा रहा है उनको फ्लैट जल्दी ले लेना चाहिए। रहा सवाल एक्सपो का, और ये जो एक्सपो है वहाँ पे एक विजिट उनको 100% मारनी चाहिए, भले फ्लैट 5 साल के बाद लो, ताकि तुमको यादगिरी रहे कि ये एक्सपो में आया था, मैंने देखा था, मेरा बजट छोटा पड़ा, मैं नहीं ले पाया, तो और 4 जन को जो बोलेगा वो नवी मुंबई का खरीद पब्लिक सिटी होगी, पब्लिक सिटी से ज़्यादा सिटी की सही पहचान वो करेगा ये।
आप सुन रहे थे भूमिराज ग्रुप के सीएमडी और नवी मुंबई के रियल इस्टेट के टाइकून भूपेन भाई शाह को। आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया और जैसा कि आपने सुना कि नवी मुंबई को लेकर जो रियल इस्टेट के जो दिग्गज हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो मान रहे हैं कि आने वाले समय में नवी मुंबई की एक अलग पहचान बनेगी और एक ऐसी सिटी के तौर पर ये शहर जाना जाएगा जहां रहने के लायक सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। जिस तरह से भूपेन भाई शाह ने बताया कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी को भी का भी भरपूर फायदा उठा पाएंगे। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।